हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अरुण्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आफ्टर सो मेनी डेज, ऑलमोस्ट 4-5 डेज के बाद मेरी एक नई वीडियो आ रही है और आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। जी हाँ, थंबनेल आपने देखा है, आज का वीडियो मेरे टीचर्स भाई बहनों के लिए ना होकर आज का वीडियो उन मेरे दोस्तों के लिए है जो मार्केटिंग और सेल्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं या जिनको लगता है कि उनके पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है, मार्केटिंग में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए है जहां पर एक बहुत ही अच्छा वेल नोन एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म जिसको बायजूस ने एक्वायर किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ व्हाइट हैट जूनियर की। सो व्हाइट हैट जूनियर ने ऑल इंडिया, ठीक है, पैन इंडिया मूवमेंट के थ्रू ऑल इंडिया में उन्होंने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हायरिंग स्टार्ट की है। और इस वीडियो में मैं अपने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने पार्ट टाइम वैकेंसी की बात की थी उसकी गूगल लिंक भी दूंगा, ठीक है। तो मैंने उस वीडियो में कहा था आप लोगों को कि भाई अगर आप इंटरेस्टेड है इसमें तो मैं आपको इसकी गूगल लिंक दे दूंगा। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों ने कॉमेंट किया, मैसेज करके भी बोला कि सर यस वी आर इंटरेस्टेड, प्लीज प्रोवाइड अस लिंक। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वाले पोस्ट के लिए भी और मेरे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने दिया था उसके लिए भी आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। सो प्लीज वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक माय अदर वीडियोस। अगेन पूरा डिटेल्ड प्रूफ के साथ सब कुछ किया हुआ 110% कंप्लीट, जो कहते हैं ना आप कि कोई फेक नहीं है, कोई ऐसा क्लिक बेट टाइप नहीं है, पूरा 100% टेस्टेड है, ठीक है। सो वीडियो में आपको लेफ्ट हैंड साइड, आपके राइट हैंड साइड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है दैट व्हाइट हैट जूनियर इज हायरिंग सेल्स मैनेजर अक्रॉस द कंट्री, बट वन थिंग इज दैट यू नीड टू हैव प्रायर सेल्स एक्सपीरियंस चाहिए, यानी आप पहले से सेल्स डिपार्टमेंट में किसी भी कंपनी में काम किए होने चाहिए, जिसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उस एक्सपीरियंस का बेनिफिट आपको यहां पर मिलेगा। सो बेसिकली जितने भी मेरे फ्रेश न्यू कमर्स हैं जो एमबीए या बीबीए करके उन्हें लग रहा है कि मार्केटिंग में अच्छा कुछ कर सकते हैं और फ्रेश है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई इन्होंने लिखा है लेकिन आप जरूर अप्लाई करो। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, उनको पसंद आता है, तो डेफिनेटली आपको वो अप्रोच जरूर करेंगे। हालांकि इन्होंने प्रायर लिख रखा है कि प्रायर सेल एक्सपीरियंस, रिसेल्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जरूरत चाहिए है उसकी, बट फिर भी इफ यू आर न्यू फ्रेशर है देन टू यू गो फॉर इट, ठीक है। तो जैसे इस पे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, मैं रीड आउट कर दे रहा हूं फिर से, हो सकता है आपकी स्क्रीन पे क्लियर ना आ रहा हो कि द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड, जो कि हमने देखा क्योंकि ये भी एक बायजूस की सब्सिडरी कंपनी है, उन्होंने ही एक्वायर किया है, तो कुछ चीजें इन्होंने कॉमन रखी है कि भाई आपकी सैलरी डिसाइड कर सके इसके लिए आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर की सैलरी आपको देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप प्रीवियस एम्प्लॉय में जहां आप एम्प्लॉयमेंट है, जहां आपकी, जहां आप काम कर रहे हैं, प्रीवियस एम्प्लॉयर आपको 25 पे कर रहा है और यहां पे जब आपकी हायरिंग हो रही तो आप बोल रहे हैं मेरे को 50,000 चाहिए क्योंकि मेरे को पिछले कंपनी में 40 मिलता है। तो भाई वो किसी भी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो इनका एक सिस्टम है कि भाई हम 12% का हाइक देंगे या हम 50% से ज्यादा, 15% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो दैट विल हेल्प देम टू डिसाइड योर सैलरी। आफ्टर ऑल इफ यू हैव गुड क्वालिटी, अच्छी स्किल्स हैं आपके लिए, तो सैलरी इज नॉट बार एट एनी टाइम, ठीक है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑफ कोर्स देन इन दैट एनीथिंग लाइक डीएल एंड आपका आधार कार्ड पैन कार्ड विल वर्क। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ दैट मींस आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर का जैसे आई कार्ड हो, ज्वाइनिंग लेटर है जिसको आप अपॉइंटमेंट लेटर भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, एंड ऑफकोर्स वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री जो है आपकी, वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट उनको चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फील्ड है लैपटॉप अवेलेबिलिटी ऑफ लैपटॉप और वाईफाई आपके पास होना चाहिए, देखिए ऑप्शन में यस और नो है, ठीक है। दूसरा कितने साल का एक्सपीरियंस है वो, आपका फुल नेम, आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है, ग्रेजुएट है या नहीं वो, कितने साल का एक्सपीरियंस जैसे मैंने कहा वो आपसे पूछा जाएगा। सो इतनी सारी चीजें जैसे ही आप फिल करेंगे आपका डेटा सबमिट हो जाएगा, जस्ट लाइक द बायजूस का जो पार्ट टाइम वाला फॉर्म था, ये एग्जैक्टली सेम फॉर्म है, कंपनी सेम है, तो एक तरीके से फॉर्म भी इन्होंने सेम ही रखा है, रिक्वायरमेंट भी सारी सेम ही है। तो अगर आपको लगता है कि इफ यू हैव गुड स्किल्स इन दिस मार्केटिंग फील्ड में, आपकी अच्छी पकड़ है, आप अच्छा इसमें कर सकते हैं, तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यू शुड गो फॉर इट, ठीक है।
जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, दैट वॉज अबाउट पार्ट टाइम वैकेंसी फॉर साइंस एंड मैथ्स टीचर. दिस इज स्पेशली फॉर दोज हु वॉन्ट टू मेक देयर करियर इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग. वेल, अगर हम कहें, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में मुझे पूछा है कि सर आप ये किस सोर्सेस से लाते हो, इतना रेलेवेंट और इतना एक्यूरेट होता है, कहां से मिलता है कि वैकेंसी, आखिर हमें पता कैसे चले. तो उसके लिए फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा वीडियो बनाऊं जिसपे आपको ये बताऊं कि सर वो हमें ये बताओ कि पता कैसे चले कि कहां पर है, तो जरूर कॉमेंट करके बताना, ठीक है. और मेरे स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर हैं, जो देख रहे हैं, मैथ्स और साइंस की वीडियोस आपको रेगुलर मिल रही हैं. मेरी वीडियोस पिछले कुछ दिनों से नहीं आ रही है, ऑलमोस्ट दिवाली के पहले आई थी, दिवाली के बाद आई गेस मेरी एक ही वीडियो आई है, एक भी आई गेस नहीं आई है. तो बहुत जल्दी नेक्स्ट वन और टू डेज में वीडियो रिकॉर्ड हो गई, एडिटिंग का काम है, यू विल बी गेटिंग दोज वीडियोस एज वेल वेरी सून. ओके, बाय द वे हमारा प्लेटफॉर्म वैसे भी स्टूडेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है, सभी के लिए है. सो ऑल यू गाइज नीड टू डू इज दैट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा. और हाँ, ध्यान रखिए, क्या करेंगे आप, कमेंट करके आप मुझे ये बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी. आपको जो पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा हो वो भी मुझे बताइए, जो नहीं अच्छा लगा वो भी बताइए, ठीक है. और जो भी मेरे दोस्त एक दो पिछले वीडियो में कमेंट करके थोड़े नाराज थे, जिनको लगा कि सर आपने बताया बट लिंक नहीं दी, तो गाइज आई एम यू नो एडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो प्लीज गो and apply over there. Okay, so we'll meet in the next video. Till then, take care, bye bye, love you.